तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। और आज हम देखने जा रहे हैं जो महिंद्रा SUV 300 है, उसका W6 का जो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हमको इसके अंदर मिलते हैं। तो जो इसका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है या इंफॉर्मेटिव सिस्टम है, सबसे पहले तो मैं इसके बाहर के लुक की बात करूँ तो जैसे कि महिंद्रा की SUV इसके अंदर काफ़ी बढ़िया इसका इंटीरियर होता है, वो काफ़ी बढ़िया आता है। तो जो इसका इंफॉर्मेटिव सिस्टम का जो इंटीरियर के अंदर मतलब जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब ये टच स्क्रीन है और यहाँ पे नीचे ये बटन्स दिए हुए हैं, साथ में ये वॉल्यूम कंट्रोल और पावर ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है यहाँ पे। और इसके नीचे जो बाकी पैनल है वो है, तो सबसे पहले जैसे कि मैं बात करूँ तो ये टच स्क्रीन है और इसका जो टच रिस्पॉन्स है काफ़ी बढ़िया टच रिस्पॉन्स है। तो सबसे पहले इस सेक्शन के अंदर देखें तो यहाँ पे ये मीडिया है जिसके अंदर आप जो भी आप मीडिया इससे कनेक्ट कर रखे हैं, चाहे वो ब्लूटूथ से काय से भी है, आप उसका जो म्यूजिक है वो इसमें प्ले कर सकते हैं। तो बाकी जो आपकी मीडिया फाइल्स हैं उनको यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है वो है यहाँ पर रेडियो का, तो रेडियो के अंदर आपको यहाँ पर FM मोड मिलता है और साथ में आपको यहाँ पे देखिए AM मोड भी मिलता है। आप यहाँ पे FM और AM दोनों मोड पे जो रेडियो है उसको इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे बकायदा ये कुछ स्टेशन्स हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग जो फेवरेट नो स्टेशन है वो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलें तो जो इसका सबसे मेन फीचर है वो है ये इकोसेंस। तो जैसे आप इकोसेंस में जाते हैं तो आपको एक ये गाड़ी का आपका स्कोर बताएगा कि जो आप गाड़ी चला रहे हैं वो किस लेवल पे, मतलब आप कितना अच्छा चला रहे हैं, उसकी स्पीड आप कितनी अच्छी रखते हैं, आपका गियर सिलेक्शन का जो चॉइस है वो कैसी है, आपका एक्सेलेरेशन गाड़ी को किस तरह से आप एक्सेलेट करते हैं और गाड़ी को आप कितनी देर तक खड़े रखते हैं और किस तरह से आप गाड़ी को हैंडल करते हैं, उस बेसिस पे जो महिंद्रा की एल्गोरिथम है उसके थ्रू आपको ये नंबरिंग और पॉइंट्स मिलते हैं जो कि 100 में से होते हैं। अब इसको आप अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे सब पे शेयर कर सकते हैं। अभी जैसा कि मैंने यहाँ पे इसको व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए क्लिक किया तो ये लिखा हुआ है प्लीज़ कनेक्ट योर मोबाइल। तो मोबाइल में आपको महिंद्रा की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसको अपने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कोने में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बटन दिया हुआ है, तो जैसे मैं इसको टच करता हूँ तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा एक इन्फॉर्मेशन आती है जिसके अंदर आपको जो करंट ट्रिप है उसकी यहाँ पे डिटेल मिलेगी कि इकोनॉमिक स्कोर इसका 99 रहा है और ये कहाँ से कहाँ तक की ट्रिप रही है और इसमें जो एवरेज है वो कितना दिया है इस पर्टिकुलर ट्रिप में, कितनी इसकी डिस्टेंस हुई है, कितनी इसमें टॉप स्पीड रही है और ब्रेक को कितने किलोमीटर पर प्रेस किया गया है और जो क्लच प्रेस है वो 12 बार है 1 किलोमीटर के अंदर और लगभग 20 की एवरेज स्पीड रही है, क्योंकि अभी इस समय यहाँ पर बारिश का माहौल है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्ले का बटन करता हूँ तो यहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट अपने जो FM वाला मॉड्यूल था उसके अंदर, मतलब जो FM वाला सेक्शन था वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो मैं एक बार वापस इकोसेंस में जाता हूँ, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं और यहाँ पे ये जो नीचे दूसरा सेक्टर है ये ट्रिप हिस्ट्री, यहाँ पर आप अपने जो जितनी भी ट्रैवल हिस्ट्री है वो आपकी ट्रैवल ID के साथ ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर सेव रहती है। इसके बाद यहाँ पर आपका एक आता है ट्रिप चार्ट जिसके अंदर आपको फ्यूल इकोनॉमी की आपकी जो ट्रिप है वो ट्रिप के साथ साथ आपकी फ्यूल इकोनॉमिक कैसे रहा है और उसके साथ आपका जो टॉप स्पीड है वो किस तरह से वेरी करी है आपकी हर ट्रिप के साथ और ऐसे ही एवरेज स्पीड कैसी रही है और आपकी जो आइडल टाइमिंग है वो कैसी रही है और ऐसे ही आपका जो क्लच प्रेस काउंट है वो किस टाइप का रहा है, मतलब आपने हर ट्रिप के अंदर लगभग कितनी बार पर किलोमीटर पर कितनी बार आपने क्लच प्रेस किया है। सेम ऐसे ही ब्रेक प्रेस की बात करें तो ब्रेक प्रेस आपने कितनी बार किया है ये इसमें शो कर रहा है। तो इस वाले पैनल पे यहाँ पे आपको इतनी सारी डिटेल्स मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे ये जो आता है ये आता है फ़ोन। तो फ़ोन के अंदर आपको फ़ोन वाला फीचर यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसको ब्लूटूथ के ज़रिए इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करते ही आप यहाँ पे जो आपका मोबाइल फ़ोन है उससे आप कॉल, कॉन्टैक्ट्स और ये सब फीचर्स यूज़ ले सकते हो। इसके बाद जो सबसे बेस्ट फीचर आता है वो आता है ये नेविगेशन का, क्योंकि जो कि महिंद्रा के अंदर इसका इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम है और काफ़ी बढ़िया नेविगेशन सिस्टम है और इसके लिए आपको कोई स्पेशल GPS या कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपका इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम है तो ये भी काफ़ी सटीक इंफॉर्मेशन देता है।
जैसे कि मैं अभी ये बताऊँ, ये देखो मेरी लोकेशन कितनी जल्दी एक्सेस कर रहा है, और इस लोकेशन के बेस पे ये पूरी आपकी जो ट्रिप है उसको हिस्ट्री को सेव रखता है। ये देखिए यहाँ पे आप टेक मी टू होम, माय प्लेसेस, माय रूट, और इसी तरह से इसके जो GPS है उसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स है। यहाँ पे आप अपनी जो वॉइस है उसको कर सकते हैं, ड्राइवर असिस्ट है उसको आप ऑन कर सकते हैं, जिसमें आपको स्पीड का अलर्ट मिलेगा, ट्रैफिक के साइंस मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसी तरह से आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट मिलेंगे कि जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड एक लिमिट से ज़्यादा जाती है तो ये आपको वॉर्न करेगा। ये आपको यहाँ पे रूट सर्च करने में भी मदद करता है, तो आप इसके थ्रू यहाँ पे अपना रूट भी देख सकते हैं। तो इस तरह से नेविगेशन का काफ़ी बढ़िया फीचर है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आता है वो आता है कार इन्फो का। ये कार इन्फो नॉट एक्सेसिबल ऑन ACC मोड। तो ये जो कार इन्फो वाला है इस पर जैसे हम टच करेंगे तो यहाँ पे ये अभी जो लेटेस्ट जो ट्रिप है और पूरी मतलब कार कितने का एवरेज दे रही है और डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब अभी पेट्रोल टैंक मतलब फ्यूल की इन्फो यहाँ बता रहा है कि अभी पेट्रोल टैंक के अंदर कितना फ्यूल है, कि इतने किलोमीटर ये चल सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सर्विस का। यहाँ पे जैसे ही आपकी सर्विस पास में आएगी तो यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर आने लग जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है यहाँ पे सेटिंग का। तो सेटिंग के ऑप्शन में सबसे पहले आता है साउंड। साउंड के अंदर ये देखिए आप अपने जो इसका जो अंदर का स्टीरियो है उसकी जो पिच है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे ये सेंटर के अंदर है तो मेनली सेंटर में फोकस करते हुए आप इसको किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, कि ड्राइवर साइड में करना है क्या। तो जो बैलेंस है मतलब जो मैक्सिमम नॉइस है वो किस पॉइंट पे रखनी है आपको, वो सब यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये टोन है जिसके अंदर आपको ट्रेवल मीडिया वास इक्वलाइजर है जो कि आप अपने हिसाब से नॉर्मल पॉप जैज़ इनमें सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने वॉल्यूम सेट कर सकते हैं कि ऑडियो की वॉल्यूम कितनी क्या है, ठीक है। नेविगेशन की वॉल्यूम कितनी रखनी चाहते हैं आप, टच की वॉल्यूम कितनी रखना चाहते हैं, ऑडियो की कितनी, फ़ोन की कितनी और रिंगटोन की कितनी। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है SDVC, यह है वेलकम साउंड। जब इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन किया मतलब जब गाड़ी को ऑन किया जाता है तो जो वेलकम के टाइम जो साउंड आती है वो यहाँ पे आप, अब हम जो नेक्स्ट सेटिंग है वो आती है यहाँ पे डिस्प्ले की सेटिंग। तो डिस्प्ले के अंदर हम यहाँ पे जो ये डिस्प्ले है इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको डिस्प्ले को ऑफ कर सकते हैं कि कोई इमेज ना आए। इसका जो वॉलपेपर है हम वॉलपेपर चूज़ कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट, जैसे इसका ये जो स्पेस वाला है वो है सेकंड, ये मून वाला है, और इस तरह से हम इसके वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यूनिट्स का। हम यहाँ पे जो जितने भी यूनिट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे यूज़र नेम आ रहा है यहाँ पे डॉक्टर राघवेंद्र, आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कनेक्टिविटी का, जिसमें आप अपने जितने भी ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं जो कि कनेक्ट हैं उन सबको यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट वही ब्लूटूथ की सेटिंग है। ये सब ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे मिलता है नेक्स्ट ऑप्शन है सिस्टम का। सिस्टम के अंदर आप जाकर इसके जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकते हैं, टाइम के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, GPS को सिंक को ऑन रखना है या ऑफ रखना है वो चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, प्रोग्राम्स के स्विच, जो स्विच है प्रोग्राम वाला ये वाला जो स्विच है इसको आप किसके रूप में यूज़ करना चाहें वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं और इसको रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी बेसिक सेटिंग्स हैं। ये इकोसेंस की सेटिंग है जहाँ पे आप इकोसेंस की सेटिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ई मैनुअल है जहाँ पे मैनुअल दिए हुए हैं जिसके अंदर आप यहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे और आप इनको देख के भी पता लगा सकते हैं, मतलब आप इनको देख के समझ सकते हैं कि आखिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या जो भी है वो किस तरह से क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगा और आपको एक इंटीरियर जो इन्फॉर्मेशन इसका इन्फॉर्मेटिव सिस्टम है उसका लुक देगा। आप होप जल्दी इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे होंगे। तो एक छोटी सी कोशिश थी जिसमें आपको इसका जो इन्फॉर्मेटिव सिस्टम है वो बताया जा सके, ताकि आप एक बोले तो एक पिक्चर बना सकें कि आखिर कैसा इसका इन्फॉर्मेटिव सिस्टम है SUV 300 का। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।